दोस्त, आज हम फाइनेंस सेक्टर के स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में देखेंगे जो बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स और ग्रोथ पोटेंशियल्स के बारे में जानेंगे। दूसरे, इस कंपनी का नाम है ऑनटेक फिनसर्व लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी मेनली फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज से रिलेटेड वर्क करते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैपिटल 12.8 करोड़ है और स्टॉक का करेंट मार्केट प्राइस 1.42 रुपीज़ है और स्टॉक का प्राइस टारगेट 8 रुपीज़ है और ये स्टॉक 75.2 के पी में ट्रेड कर रही है। दोस्तों, ऑनटेक फिनसर्व लिमिटेड ये कंपनी मेनली प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज उनके कस्टमर्स को इंडिया में। कंपनी ऑफर करते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज मेनली ट्रेजरी मैनेजमेंट और मनी मार्केट ऑपरेशन के लिए। कंपनी ऑपरेट करते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर अलग अलग इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए। कंपनी मैनेज करते हैं इन्वेस्टमेंट पूल, शेयर सिंडिकेट, स्टॉक सिक्योरिटीज़ में। कंपनी इन्वेस्टमेंट बिजनेस करते हैं। कंपनी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, स्टॉक एंड यूनिट्स की सेलिंग, बाइंग, होल्डिंग ये सब करते हैं। दोस्तों, अभी हम कंपनी का फाइनेंशियल देखते हैं। कंपनी की सेल्स 94.6 करोड़ से बढ़कर 186.7 करोड़ हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। कंपनी का नेट प्रॉफिट 54.8 करोड़ से बढ़कर 143.1 करोड़ हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। कंपनी का EPS 4.8 से बढ़कर 9.32 हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। कंपनी का टोटल एसेट 195.3 करोड़ से बढ़कर 843.2 करोड़ हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। दोस्तों, कंपनी के शेयर होल्डिंग में देख सकते हैं, प्रोमोटर्स ने 51.50% होल्ड किए शेयर्स और पब्लिक ने 48.50% होल्ड किए शेयर्स। दोस्तों, ये कंपनी प्रोवाइड करते हैं ब्रोकरेज सर्विसेज इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट रिलेटेड। साथ ही कंपनी प्रोवाइड करते हैं कमोडिटी ब्रोकिंग सर्विसेज। कंपनी इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक एंड प्रॉपर्टीज़ इन सब में। कंपनी प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी सर्विसेज, इसलिए कंपनी का बहुत ग्रोथ हो रहा है। साथ ही कंपनी सुपीरियर रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी सभी स्टेक होल्डर्स को। दोस्तों, हमें लगता है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, आपको इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको मीडियम से लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट होगा। दोस्तों, हमें लगता है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, आपको इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको मीडियम से लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट होगा।